एजेंसी है जिसको ज्यादा रास्ता मिलता है। हाय गाइस, जा रहे हैं बर्थडे। तो आज है मेरा बर्थडे और आज मैं जा रही हूँ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे सुबह से बिल्कुल पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँगी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। अभी ये ऑफिस से आए तो इन्होंने मुझसे बोला कि हम चौकी हवेली चलते हैं। मुझे बहुत पसंद है चौकी हवेली, बिकॉज राजस्थानी कल्चर वैसे ही मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं वहाँ पे कैसे सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे। और राशि, तुम एक्साइटेड हो? इधर देखो, कहाँ जा रही है तो बता दो। पार्टी में जा रही है। इसके पहले हम चौकी हवेली गए थे जब मेरी सिस्टर लोग आए हुए थे, तब आए थे। और अभी इतनी जल्दी में थे घर से कि मैं घर से वीडियो मतलब स्टार्ट नहीं कर पाई ब्लॉग। तो मैंने सोचा ठीक है, बना ही रहे हैं, जा ही रहे हैं, तो ब्लॉग तो बना ही लेते हैं, आप लोग को दिखाते भी कैसे मैंने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। तो चलिए मिलते हैं सीधे चौकी हवेली में। गाइस, हम आ चुके हैं यहाँ पे। हाँ तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे चौकी हवेली बर्थडे मनाने के लिए। और इस टाइम ना बड़ा सही लग रहा है ना यहाँ पे। हाँ, जब हम लास्ट टाइम आए तभी ऐसी टाइम पे लगभग आए थे हम ना, और अभी भी आए हुए थे। इस टाइम ठंडक है और ये खुला खुला सा माहौल है, काफी अच्छा लग रहा है। पीछे गाने चल रहे हैं। और देखते चल के आओ, और देखते चल के आओ। तो गाइस, यहाँ पे लाइट चली गई है और अभी ना यहाँ पे ऐसी वाली फीलिंग आ रही है जैसे कि जब मैं बहुत छोटी थी, नानी के घर जाती थी, वैसे बड़े बड़े से आंगन होते थे और ऐसे चांद दिखाई देता था वहाँ से, बड़ा सही लगता था देखने में। आज वैसे ही लग रहा है, कच्ची जमीन पर चांद दिख रहा है, मतलब तो मेरे लिए बहुत अच्छा लग रहा है। देखो क्या है, एरोप्लेन जा रहा है। Thank you.
और मैं यहाँ पे केक काटने वाली हूँ। मुझे बहुत बहुत अमेजिंग फीलिंग हो रही है। तो राधा कृष्ण कितने प्यारे लग रहे हैं ना, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत मतलब बेस्ट वाला बर्थडे मेरे लिए। मेरे को ऐसी छोटी छोटी चीजों में बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा लगता है। मतलब यहाँ पे ये सारे मंदिर बने हुए हैं ना, ये वहाँ पे तो एक मंदिर बना हुआ ये देखते थे ना हम लोग। हाँ, गांव में देखते थे। यहाँ पे हाँ, अपने क्या तारीफ करूँ, तारीफ तो उस खुदा की है जिसने जहाँ बनाया। अपने क्या तारीफ करूँ, तारीफ तो उस खुदा की है जिसने जहाँ बनाया। ये स्टाफ को और मैजिशियन मुझे बनाए। सर जी, मैडम जी, स्टार्ट कर दूँ? यस, यही मैजिक वाला स्टिक है। थोड़ा सा जमीन पे रब कर देंगे, थोड़ा सा हाथ पे, एम्प्टी हैंड। मिट्टी लेंगे, धूप लगा कर देख लेंगे, वही मिट्टी लेंगे और बोलेंगे लेके आओ। कम ऑन चार जी, देखा सर कैसे बना दिया हूँ। वन पॉइंट बना दिया सर जी, मैडम जी बिल्कुल मजा नहीं आया। दो बनूंगा सर, कितना?
दो और आप लोगों की नजर में आ जाए तो मेरे से बोल देना, देखो कैसे दो बन जाए। बैग से थोड़ा सा सर्जी मिट्टी निकाल, क्या निकालूंगा मिट्टी, और तीन बार ऐसे राउंड करूंगा सर्जी, इधर दो सिक्के बना दूंगी। नहीं नहीं मैडम जी, आपको धोखा लगा होगा। नहीं आपने डाला ऐसे, ये देखो मैडम जी अभी एक ही तो है, वो खोलो हाथ, ये लो वाला हाथ खोलो, ये वाला हाँ। ये तो दो दिन से खाली पड़ा है, हाँ खोलो, हाँ नहीं कुछ भी। कितना सिक्का है? एक है। ऐसे तोड़ दो, दो सिक्के हो जाएंगे। तोड़ दो कैसे? हाँ तोड़ दो, कैसे टूटेगा? नहीं टूट रहा, नहीं ना। एक ही है, एक ही है। दो मेरे, ऐसे तीन बार टच कर देना, थोड़ी सी मिट्टी लगा देना और हाथ को झटका देना, ऐसे पकड़ के दो सिक्के बना, ऐसा हाथ, ऐसे हाथ करो, ऐसा ऊपर। सबन को बता दो कौन सा नंबर है बेटा, कौन सा नंबर है बताओ। थ्री थ्री जी बेटा, नंबर चेंज करके ऐसे डालना और ऐसे बंद कर देना, सबन को बताना बस मेरे को मत बताना, कर दो चेंज, कर दो नंबर चेंज करो, कैमरे में बता देना, वैसे रखे रहो। मेरे को तो नहीं बताया, नहीं आपको सच नहीं बताना, आपने बेटा इधर बंद करा है कि इधर? किधर बंद किया था बताओ, किसने बंद किया था छोटे वाले? इधर से बता देता मैडम का नंबर, मैडम ने 5 नंबर बंद करा है। कौन सा नंबर बंद किया था? फाइव। सही बताया? एक बार और सिक्के ऐसे ऐसे कर देते सर जी, एक फूल का नाम बोल दो कोई साथ। फ्लावर, फ्लावर में गुलाब, बंद कर लो रेट है ना। टू मैं भी बोलूं, मेरी बोल बोलो बेटा, आप भी कोई फ्लावर के नाम बोलो। किधर से स्टार्ट करूं आपसे? ऐसे करो सर, मैडम सर को तीन बार ऐसे रब करो, ऐसे उल्टा उल्टा बेटा, आप भी तीन बार सर करो बाबा जी को, ऐसे एक दो तीन, और तीन बार मैडम आप करो मुझे, और आप भी करो, आप भी मुझे करो, ऐसे देखो सूंघ कर, देखो सर आप भी, सच में खुशबू आ रही है, देखो सूंघ के, देखो बेटा आप भी, मेरी गोल की आ रही है क्या? नहीं सच में आ रही है, 5 मिनट के बाद रिटर्न होगा इसका, सूंघ के देखो सच में आई ना, आपको रिवर्स किया ही दिखाना, सच में तुम्हारे सच में रिकॉर्ड की आई आ रही है। चलो बाहर आ जाओ मैडम जी, आधा चल रहा है ये शो, 5 मिनट बाद रिटर्न स्टार्ट होगा, चलो बाहर आ जाओ, मेरे नहीं काटना, काटना है तो मैडम लोगों पे काटना, मैं नहीं, तुम बाहर आ, इसको मारूंगा तो सर जी ये मर जाएगा और छोड़ूंगा तो कुत्ते खा जाएंगे, बोलो इसको मार दिया जाए कि इसका जोड़ा बना दिया जाए, जोड़ा बना, जोड़ा ये पकड़ लिया, काला रंग का सफ़ेद रंग का, सफ़ेद गप लाला चला गया सर, उठा पड़ता और दिखा जाता कैसा तेरा दीदार है, और जोड़ा बन के तैयार। जादू देखो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा जादू, अब जा रहे हैं खाना खाने, डिनर करने के लिए, टिकट दे रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए हैं अब खाना डिनर करने के लिए, और हमने बिल्कुल पारंपरिक तरीका चुना हुआ है नीचे बैठ के खाने के लिए, वैसे यहाँ पे टेबल चेयर भी है पीछे साइड में, पिछली बार में हमारे साथ टेबल चेयर भी बैठे हुए थे, बट अभी यहाँ पे खाली, तो अभी मैं आराम से बिल्कुल देख रही थी खाना।
अच्छा लग रहा है खाना? राशि का खाना ये और राशि ये खाना खा रही है, चीज़ खा रही है ना भैया? तो गाइस यहाँ पे मेरे साथ एक ट्रेजडी होगी कि मैं अपना फ़ोन वहाँ पे जहाँ पे जादू देख रहे थे वहाँ पे फोन देख रही। अभी यहाँ पे जब बैठी मुझे याद आया कि मेरा फ़ोन कहाँ है, फिर मैंने तुरंत मेरे सबको सबने कॉल किया तो पता चला रिसेप्शन पे मेरा फ़ोन है, और मुझे पता चला कि इसके एक घंटा पहले भी किसी का फ़ोन यहाँ से चोरी भी हो चुका है। मैं तुरंत अपना फ़ोन बैग में डाल लेती हूँ, पता चले कि मेरा बर्थडे है 12-13 हज़ार रुपये का चुना लगा फिर। लेकिन यहाँ के लोग स्टाफ बहुत अच्छा है, स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्टाफ है, उन्होंने मतलब इतना सुरक्षित रखा मेरा फ़ोन, बहुत अच्छा। ये चीज़ तुम ना कोई उठा के रख लेते हैं और क्या, कहीं भी स्विच ऑफ करके रख देते हैं, तो उन्होंने देखो सुरक्षित रखा मतलब। तो इस चीज़ के लिए वे मतलब एक बहुत बड़ा एक बहुत ईमानदार है, ईमानदार है सच में, बहुत ईमानदार। हो गया भोजन से, मैं स्टार्ट कर रही हूँ भट्टे की सब्जी से खाना, वो सच में ये काफ़ी अच्छा है। क्योंकि पिछली बार जब आई तब भी मुझे बहुत पसंद आया था यहाँ का। चलते हैं, लाइट बंद होने वाली है, लाइट दिखाई दे रही है। दिखाई कहाँ दे, दो लोग को जा रहे थे थोड़ी देर, चलो आ चलें इधर लाइट, और चले आ जाओ, आ जाओ कम बाबू, मैं आ जा रही हूँ, रशी जा रही हूँ, बाय चरखा चला लेंगे फोटो नहीं खींचो, देखो देखो। तो गाइस यहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया, मेरा बर्थडे बहुत बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ। आप लोग भी अगर नोएडा के आसपास रहते हैं तो आप यहाँ आके अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं, सच में आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होंगे यहाँ पे आके। तो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ की ये लोग हमें खुद ही भगा रहे हैं, लाइट वाइट सब बंद हो गई है क्योंकि टाइम ओवर हो गया, 10:30 समथिंग हो गए। तो अभी हम चलते हैं घर। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और जो यहाँ पर ज़रूर आइएगा। चलो जो बाहर निकल आए हम लोग, काफी देर लेते हैं, और ये दिन में बहुत सुंदर लगता है यहाँ पे ना, लोटस के पैटर्न, लोटस के फ्लावर लगे होते हैं। हाँ बेटे यहाँ पे लोटस के प्लांट्स लगे होते हैं। अभी बहुत रात हो गई है यहाँ पे। मैडम जी कहाँ जाना है आपको? अरे मुझे क्यों बोल रही हो? क्यों किसको बोलूँ, अभी तो ले जाओगी? कैसे यहाँ का नजारा, और ये कैब बुक करते हुए नीचे उतरो झूला भी। ये हमारी सेल्फ सर्विस चल रही है झूले के यहाँ पे, बंधा हुआ है रात, क्योंकि बंधा हुआ है रात है, और अभी यहाँ पे कोई भी है भी नहीं। रुको, पहले रुको। मैडम जी आपको कहाँ जाना है? आपको जहाँ ले चलोगे वहाँ चलेंगे, बुक हो गई है। आपको कहाँ जाना है? मुझे दिल्ली जाना है। दिल्ली ठीक है, नहीं आप ही बैठिए, मैं ऐसे ये नोएडा हाट है ना, नडाट पे मेला लगा था पता अभी। हाँ, उतरना चलिए आपका घर आ गया मैडम जी। एरोप्लेन मेरा ना ऐसे मॉर्निंग से कुछ प्लान नहीं था, मैंने इनसे मना ही किया था कि मेरे को कुछ नहीं करना बर्थडे पे, ऐसे कुछ प्लान ही नहीं था। बट ये ऑफिस से आके एकदम से बोलने लगे ना, फिर कहाँ चलते हैं यार, हम लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट सोचे, फिर उसने कहा कुछ अलग चाहिए, कुछ अलग रेस्टोरेंट तो नॉर्मली ऐसे जाते ही रहते हैं जब भी वीकेंड पे जाते हैं कहीं भी, तो ये बड़े चौकी अवेली जाते हैं, चौकी तो ऊपर जा चुके हैं। फिर मैंने ऐसा तो नहीं वहाँ पे केक वगैरह कटिंग के लिए अलाउड ना करें, फिर हमने फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने बोला ना केक ना ढोल नगाड़े के साथ में कटता है, ये सबसे बेटर आइडिया रहेगा, चलते हैं कुछ अलग तरीके से बर्थडे मनाते हैं। और सच में जैसे पूरा दिन मेरा मूड थोड़ा सा अजीब सा ही था, और यहाँ पे आके भाई इतना मज़ा आया मुझे, मेरा बर्थडे मज़ा आ गया, मतलब यहाँ पे केक काटा मैंने, और सारे जितने वर्कर्स थे वहाँ पे जिन्होंने मेरा मतलब मेरे साथ केक काटने में मेरा ढोल बजाए थे,
सेलिब्रेट किया था, हमने केक में सब में डिस्ट्रीब्यूट किया सीधे साइड से, और बहुत अच्छा लगा ढोल के साथ। मतलब मेरा बर्थडे आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इस तरीके से ढोल बजे। और मैं हमेशा ना फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ जब भी अकेले यहाँ पे होती हूँ कि बर्थडे मनाना है, राशि का बर्थडे हो गया, मेरा बर्थडे हो गया, एनिवर्सरी होगी, फैमिली सब कानपुर में होती, हम सब यहाँ पे होते, तो मेरे को हमेशा एक कमी ना उन लोगों की फील होती रहती थी। बट अब की बार मुझे यहाँ के और यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करके काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग ही नहीं रहा था मैं लोनली हूँ, अकेले हूँ, ये कुछ भी फीलिंग नहीं आई, क्योंकि यहाँ पे इतने सारे लोग खुश हो रहे थे, मेरे लिए गाना गा रहे थे और ढोल बजा रहे थे, क्लैप कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्वीट मेमोरीज मेरे लिए बनी। मेरा बर्थडे बहुत बहुत अच्छा बर्थडे हुआ मेरे लिए। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा बर्थडे कैसा लगा।